हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका किशोर सर और बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है न्यूक्लिक इनफोरम। इसके पहले की वीडियो में हमने यूनिट्स ऑफ वर्क डन पढ़े, स्टेट फंक्शन पढ़े और पाथ फंक्शन पढ़े। इसके बाद अब हमारे एक्चुअल टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ते हैं वर्क डन के दो डेरिवेशंस होते हैं, उसमें से पहला डेरिवेशन वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। देखिए अब ये डेरिवेशन तो वैसे काफ़ी आसान है, पर थ्योरेटिकली आपको अगर लिखना है ना तो थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है। सो वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब थोड़ा सा मैटर आपको लिखना है तो मैं आपको एक बता देता हूँ वो कैसे होता है। जो आप सिस्टम जो स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे ना वही मैटर के फॉर्म में लिखना है आपको। कैसे कि मान के चलिए आपके पास में एक सिलेंडर है, वही इंग्लिश में बोलिए कंसीडर अ सिलेंडर, ठीक है। अब उसको फिट किया है आपने पिस्टन के साथ, फिटेड विद अ पिस्टन, और इस पिस्टन का एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए। अब पूरा बोल रहा हूं मैं, कंसीडर अ सिलेंडर फिटेड विद अ पिस्टन हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। लेट v1 बी इट्स इनिशियल वॉल्यूम एंड v2 इज इट्स फाइनल वॉल्यूम। The change in volume is denoted as delta V. The given process occurs isothermally. मैं काम करता हूं, मैं ना आपको लिख कर ही देता हूं। Consider a cylinder fitted with a piston having क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, ठीक है। द गिवन प्रोसेस शुड बी ऑकर इन आइसोथर्मली एंड इरिवर्सिबली। ये आइसोथर्मल और इरिवर्सिबल प्रोसेस होने की वजह से पिस्टन एक बार नीचे आ गया तो ऊपर जा नहीं रहा है। तो पहला वॉल्यूम है V1, दूसरा वॉल्यूम है V2। लेट V1 बी द इनिशियल वॉल्यूम एंड V2 इज द फाइनल वॉल्यूम। P इज the opposing pressure या फिर ब्रैकेट में लिखिएगा एक्सटर्नल प्रेशर, है ना। देयरफॉर अब यहां से शुरुआत होगी। एज वी नो दैट, जैसे कि हमें पता है, एज वी नो दैट वर्क डन इन आइसोथर्मल सॉरी ये बाद में लिखिएगा, वर्क डन डायरेक्ट लिखिए। वर्क डन इज गिवन एज, क्या होता है फॉर्मूला वर्क डन का स्टूडेंट्स? W इक्वल्स टू अपोजिंग फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये बहुत अच्छे से याद है आपको। सो अपोजिंग फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स को डिनोट करते हैं F से और डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करते हैं D से। पर फोर्स अपोजिंग यानी सिस्टम के खिलाफ है, इसीलिए ये फोर्स हम रिप्रेजेंट करेंगे माइनस साइन से। बट आपको ये मेंशन करना है वेयर निगेटिव साइन इंडिकेट्स द अपोजिंग फोर्स, ये याद से लिखना, ठीक है। Where negative sign indicates there is an opposing force, ठीक है। अब ये है आपका इक्वेशन 1 मान लीजिए। नाउ डिवाइड एंड मल्टीप्लाई अबोव इक्वेशन बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया A। क्यों एरिया से पूरे इक्वेशन को डिवाइड मल्टीप्लाई क्यों करना? क्योंकि जब आपने पिस्टन को अपोजिंग फोर्स लगाया तो किसी एक साइड से नहीं झुकाना है पिस्टन, पूरा का पूरा जो एरिया था पिस्टन का पूरा एरिया नीचे आया, तो जो वर्क होगा वो पूरे एरिया से कवर किया जाएगा। तो इसलिए हम ये इक्वेशन को ना एरिया से डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों कर रहे हैं। अब वर्क को डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क ही रहेगा, फोर्स को डिवाइड करेंगे तो F अपॉन ए आएगा, और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो D इंटू ए आएगा। अब आपको पता है स्टूडेंट्स, फोर्स अपॉन एरिया का मतलब क्या होता है? प्रेशर, है ना, प्रेशर। एंड डिस्प्लेसमेंट इनटू एरिया, ये होता है चेंज। वैसे तो सिर्फ वॉल्यूम होता है, पर यहां पर वॉल्यूम में बदलाव हुआ। पहले वॉल्यूम इतना था इनिशियल, देन फाइनल वॉल्यूम V2 हुआ, तो ये हुआ चेंज इन वॉल्यूम, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं V2 माइनस V1 से। सो डिस्प्लेसमेंट इनटू एरिया का एक्चुअल फॉर्मूला क्या आ जाएगा? नॉट V, इट्स V2 माइनस V1, है ना। अब क्या कहेंगे हम, अब कहाँ लिखेंगे, ठीक है ऊपर लिखते हैं। Therefore इक्वेशन वन बिकम्स, अब इक्वेशन वन क्या हो जाएगा? वर्क इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया की जगह हमें क्या लिखना है? प्रेशर। पर ये प्रेशर कौन सा रहेगा? एक्सटर्नल प्रेशर, तो हम इसे लिखेंगे PEXT। और डिस्प्लेसमेंट इनटू एरिया की जगह लिखेंगे हम V2 माइनस V1, है ना। सो W इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? P एक्सटर्नल V2 माइनस V1। एंड फाइनली सॉरी माइनस साइन भूल गए आप, सॉरी आप नहीं, मैं भूला हूं। V2 माइनस V1 यानी डेल्टा V, तो अल्टीमेटली फाइनली फॉर्मूला आ गया माइनस P डेल्टा V। वो एक्सटर्नल नहीं लिखे तो भी चल जाएगा, सिंगल P लिखा समझ में आ जाता है कि ये एक्सटर्नल प्रेशर है। ये हो गया। उसके बाद आपको फाइनली लिखना है वेयर P इज नोन एज एक्सटर्नल प्रेशर। शायद आपको यहां से ना दिखे, पर आप वो समझ सकते हैं। V1 ये है इनिशियल वॉल्यूम और V2 है फाइनल वॉल्यूम। यहां पर आपका ये 2 मार्क्स का डेरिवेशन फिनिश हो जाता है। आप इस डेरिवेशन को अच्छे से नोट डाउन करिए, कोई घाई नहीं है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप वीडियो को पॉज करिए, डेरिवेशन को अच्छे से लिख लीजिए। थियोरेटिकल पोर्शन अगर आपको चाहते हैं आप लोग, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजिए। मेरे पास में जो PDF है, जो मैंने खुद मेरे नोट्स बनाए हैं, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा थ्रू मेल या फिर टेलीग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे, आप जैसा चाहे वैसा, ठीक है। तो ये है आज की इस वीडियो का वर्क डन इन आइसोथर्मल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस का डेरिवेशन, जिसका फॉर्मूला आया W इक्वल्स टू माइनस P डेल्टा V। इसी फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करके दूसरा जो डेरिवेशन है ना इसी चैप्टर का, मैक्सिमम वर्क के लिए, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, वो डिराइव करना है। तो वो डेरिवेशन काफ़ी बड़ा है, उसका एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे हम। इस वीडियो के साथ में अगर कंबाइन करते हो तो कुछ ज़्यादा ही लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में W मैक्स के डेरिवेशन के साथ में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच।